अरे रोहतक का एड्रेस भर दो, एड्रेस तो है ही उसमें, रोहतक की डिटेल भर दो सारी। यार अभी तो बढ़िया एंजॉय ले रहा था, यहाँ तो पैर सीधे हो गए, यहाँ तो पैसे ही पैर सीधे हो जाए यहाँ आगे बैठने से। तो भाई रसोण का मजा नारा लिया था, अब की बार मैंने इसको पीछे कर दिया, बहुत मुश्किल से मान्या, जिद्दी करे था। ये हमारे अमित जी हैं, मगर जिद्दी कर रहा था, पीछे नहीं बैठा था, आगे बैठूंगा। ये बच्चा देखो, ये हमारे से भी ज्यादा आनंद ले रहा है, हैं? आनंद ले रहा है, पूरे नजारे, क्या बात है। ये जी सवांग वैली, अच्छा वो सामने केवल काल चलती है, पैराग्लाइडिंग हो रही है। कौन सी जगह भैया? सोलांग वैली। सोलांग वैली, सोलांग वैली है उधर, ये पैराग्लाइडिंग। चलो से ज्यादा स्पीड करती तो ये कैमरे हमारा चलान काट देंगे, फिर 55 नहीं रखी हो भाई, 58 भी नहीं, 55 नहीं रखी हो। चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है, हर चौक पे जी वहाँ भी ऐसा ही है, वहाँ इतनी पुलिस नहीं खड़ी होती, सब ये सिस्टम ऐसा कर दिया, वो सब अपना ऑटोमेटिक काम हो जाए, और जो भी बंदा लापरवाही करता है उसके फोन पे वो मैसेज आ जाएगा। हाँ, और मैसेज आया नहीं और माथे में तौड़ी पड़ी नहीं, एकदम ऐसा लगेगा जैसे बिजली का करंट लगता है। बिजली का करंट। ये देखो दो तीन मूर्ति पीछे भी बैठी हैं, दे रहा मैं, ये दो तीन मूर्ति हैं, और इन्हीं के कर कमलों से आज ये मेरी यात्रा हुई है, उद्घाटन करवा दिया मेरा रोहतांग दर्रे का। इन्हीं के प्रयास से, ये देखो, और कभी मुस्कुराते हैं, कभी कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा वर्ड निकल जाए मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये भाग्य जाके भी उड़ाएंगे। कोई नहीं, देखिए जो भाई इधर नहीं आ सकता
वो भी उसके उस हमारे माध्यम से वो भी इसके कुछ आनंद महसूस कर सके। और जल्दी ही मैं हम आपको दिखाएंगे, चैनल है बच्चों का, मैंने तो उतना ज्ञान है नहीं, लेकिन बच्चे तो ऐसा करते रहते हैं। 2 घंटे घट गया तो मेरा इसके बाद तो हमें घंटा ही घंटा पहुँच जाएंगे यहाँ से। 1 घंटा जी? हाँ, घंटा सवा घंटा में जब तो इतना डिस्टेंस, 2 घंटे सफ़र कम होगा इसकी वजह से, तो घंटा सवा घंटा में पहुँच जाएंगे मनाली। 1 किलोमीटर और से सर, उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे सुरंग से। ये अब हम बाहर निकल चुके हैं, ये देखिए, ये मोर सिंह जी भाई साहब ये हमें घुमा के ले आए हैं और बड़ी अच्छी तरह से हमें सब कुछ दिखाया इन्होंने, हमारे को गाइड भी किया है और अब ड्राइविंग भी कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये स्पीति है, लाहौल लाहौल बोलते हैं, वो लाहौल अलग है, स्पीति अलग है, और अंकल जी मेरे को यहाँ घुमा के ले आए हैं और ये बड़ा सुंदर और मनमोहक दृश्य देखो, ये चांदी के पहाड़ हैं, इधर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, ये तो भाई चांदी भी कम नहीं है भाई हिंदुस्तान में तो है, देखो इतनी चांदी ही चांदी, वाह भाई क्या बात है। अटल टनल सामने, अच्छा ये देखिए भाई, ये अटल टनल आ गई हमारी इधर, ये देखिए आप, यहाँ से ये टनल शुरू होगी और ये बताते हैं ये विश्व में सबसे बड़ी टनल है, ये ऊंचाई पे हाँ ऊंचाई पे हाइट पे जो है ये टनल वर्ल्ड में पूरे संसार में सबसे बड़ी टनल हाइट पे है ये। खास बात ये देखो, हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, ये तो स्टॉप लिख रहे हो भाई, आपको जाना है वहाँ पे, फोटोग्राफी करनी है। ये तो इस अंदर कौन चला समझ, नहीं अंदर तो जाना हमने, पर वहाँ पे गाड़ी रुकने नहीं देंगे। ये टनल लगी है? हाँ हाँ, मनाली 33 किलोमीटर, चलो 2 मिनट लगा जाते हैं, आप कोई साइड में ला दो, 2 मिनट लगा जाते हैं। नहीं आप जाइए, मैं 5 मिनट में उस तरफ आ जाऊँगा, पिकअप कर लूँगा मैं। ओके ओके ओके, ये देखिए भाई, ये देखिए, ये इधर से ये मनाली कुल्लू मंडी, और ये बॉर्डर है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम टू यू, और ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, कितना आनंद का अनुभव हो रहा है। अब यहाँ देखो पब्लिक के चेहरे देखो, कितना आनंद महसूस कर रहे हैं, और मैं तो भाई थक गया था ऊपर 0 पॉइंट पे, और 0 पॉइंट पे ऊपर रोहतांग में थक गया था, बहुत बार बैठना पड़ा क्योंकि अब देखो हमने यहाँ के लोगों से बात की है, ये बताते हैं भाई कि यहाँ ज़मीन हिमाचल के भी नहीं ले सकते, तो जो इनकी ज़मीन है, जो इस एरिया में रहते हैं वही खरीद सकते हैं। ये देखो ये ऊपर से बर्फ का पानी आ रहा है, और ऊपर वो देखो चांदी के पहाड़, ये चांदी के, क्या चांदी जैसे चमक रहे
टनल वो होता है नॉर्थ पोर्टल। धूप निकली हुई है, यहाँ ठंड का कोई नामो निशान नहीं है, ठंड यहाँ जीरो है, सामान्य मौसम है, बिल्कुल नॉर्मल, नहीं गर्मी है नहीं सर्दी है, बिल्कुल सामान्य है। यहाँ टनल के पास सिक्योरिटी है, मिलिट्री वालों की ड्यूटी लगी हुई है और ये है टनल का मुआवजा, जो जहाँ से एंट्री होती है, जब रोहतांग दर्रे से उधर से आते हैं तो ये है वो एंट्री पॉइंट। कितना देखो, कितनी लाइट, कितना सुंदर लग रहा है, ये पॉइंट है। और थोड़ी ही देर में हम इस टनल में एंट्री करेंगे, कुछ ही मिनट में अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। ये टनल के बिल्कुल सामने ये रिवर है, इतना तो मुझे पता नहीं भाई इसका क्या नाम है, बहुत तेज बहाव, बड़ा तेज है। अंकल जी ये जो आगे हैं ये हमारे अंकल जी हैं, और करे भाई थोड़ा झरने का लुक तो उठाने, हाँ मैं कभी उठाओ जरूर उठाओ। तो ये हमारे अंकल जी हैं और उसका लोग खुप आ रहे हैं, ये पता नहीं इतना बहुत ऊंचे से पड़ रहा है। ये देखो इधर ये चांदी के पहाड़ हैं, ये देखो ये उतर कर रहे हैं। ये देखो पब्लिक, कितनी पब्लिक अभी घूम रही है, आनंद ले रही है, जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। बड़ा इनको सुकून सा फील हो रहा है।